बिल्कुल हम इस वक्त स्पाइस जेट की फ़्लाइट से ही उड़ रहे हैं, जम्मू से टेक ऑफ किया है। छोटे छोटे नीचे जो दिख रहे हैं टीले जैसे ये पहाड़ हैं, और आइडिया मेरा अंदाज़ा यही है कि हम इस वक्त ये जो पीर पंचाल का खत्ता है उसके ऊपर से गुजर रहे हैं। अभी कोई साफ संकेत नहीं है, सिर्फ अंदाज़ा किया जा सकता है। नीचे से एक फोर वे रास्ता भी चल रहा है और उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फोर वे शायद यहाँ पे जो डोडा किश्तवाड़ के इलाके वहाँ पे नहीं है, लेकिन ये छोटी सी पुलिया का फोर वे है। उसके बाद आगे के रास्ते में एक सड़क भी दिख रही है, कुछ मकान भी दिख रहे हैं, और उससे हम अंदाज़ा कर रहे हैं कि हम पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हुए खत्ते पीर जो किश्तवाड़ का इलाका है, राजौरी ये जो इलाका है डोडा किश्तवाड़ का इलाका, उसके पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे हैं। एक शाहरा नीचे से गुजर रही है, श्रीनगर जम्मू शाहरा तो ये हो नहीं सकती है। शाहरा के साथ साथ मैं जूम इन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन होगा नहीं। बहुत नीची उड़ान उड़ रहा है ये जहाज़, पहली बार मैंने ऐसी उड़ान देखी है, लेकिन अब दोबारा उठना ऊपर उठना शुरू हो गया। तो अब कह सकते हैं कि ये ऊपर से पहाड़ देखिए, बर्फ़ के डके डके पहाड़, और इन बर्फ़ के डके पहाड़ों पे कुदरत की कायनात का वो जिसे हम बादल कहते हैं वो बादल जा रहे। कोशिश करूँगा मैं, ये बादल हम नहीं आ रहे, इन बादल के दो बड़े बड़े टुकड़े जा रहे हैं। और कहते हैं कि जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो तब गनगरज होती है, जो और बिल्कुल साफ जाहिर है जैसे दो बड़े पहाड़ जा रहे हवा में उड़ते हुए और दूर से नज़र आ रहे। ये बेल की शक्ल का एक है, मुझे दूर से बेल जैसा लगता है, अगर छोटा होता तो मैं इसको बेल ही कहता। और नीचे ये कश्मीर की वादियाँ तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जंगलात हैं, और इन जंगलात में कह सकते हैं हम कि किसी हम दर्रे किसी से गुजर रहे हैं। और ये दर्रा कौन सा है, अभी इसका आइडिया लगा रहे, क्योंकि बर्फ़ नहीं है इसमें, तो इसलिए ये कह सकते हैं हम कि अगर कश्मीर के पहाड़ होते तो इन पर बर्फ़ ज़रूर होती। चिले कलान चल रहा है कश्मीर में, 21 दिसंबर से शुरू हुआ चिले कलान। पहाड़ों पे बर्फ हो नहीं है तो हम कैसे कुछ, अगर कश्मीर के पहाड़ों का हाल देखा जाए तो बर्फ़ होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ दूर पहाड़ों पे बर्फ़ है, जो छोटी पहाड़ियाँ इन पे बर्फ़ नहीं है। तो लगता है कि मुझे हम अभी जो टनल का जो बीच का रास्ता है ये हमने पार नहीं किया है, क्योंकि बोलो अब हम ऊँचाई की तरफ चढ़ना शुरू हुए, क्योंकि जैसे मेरे कान बंद हो जाते बंद होना शुरू होते हैं का मतलब हो जाता है कि हम पहाड़ ऊपर उठना और ऊपर उठ रहे हैं और ऊपर उठ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम कहें अब लगता हम दर्रे बानिहाल जिसे कहते हैं उसको हम शायद क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर जहाज़ में इस दर्रे से उड़ते हुए आपको झटके भी लगते हैं, और ये साफ जाहिर होता है कि हवाओं के जो झटके होते हैं ऊपर से बादल काटने के झटके होते हैं। मौसम खुशगवार है, जम्मू से श्रीनगर तक के मौसम में खुशगवार मौसम अभी तक का है, लेकिन कश्मीर के बारे में साफ जाहिर है चिले कलान चल रहा है तो चिले कलान में ठंड होनी है, लेकिन यहाँ अभी तक खुशगवार मौसम है, धूप निकली हुई है, ऊपर पहाड़ों पे बादल हैं, बादलों के साथ साथ बर्फ़ की मोटी मोटी तहें, लेकिन ये ऊँचे पहाड़ों पर है बर्फ़ जो है, ऊँचे पहाड़ों पर है, निचले पहाड़ जो निकले से जहाँ पे मेरा अंदाज़ा है आइडिया है होनी चाहिए थी वो नहीं है। सीम्स के ये अक्सर मुझे ये परेशानी, हम खत्ते चिनाब से गुजरे साफ जा रहे हैं, क्योंकि नीचे जो छोटा सा दरिया जा रहा है तो मुझे लग रहा है दरियाई चिनाब है। मैं जियोग्राफी नहीं जानता हूँ, बस इस सफ़र के दौरान कुछ इलाकों को याद रखते हुए अक्सर सफ़र करते इस पर तो पता चल जाता है कि कौन सा इलाका हो सकता है। बहुत खूबसूरत खचाखच भरा हुआ जहाज़ करीबन
मेरे ख्याल में 200 से ज़ायद मुसाफिर होने चाहिए सभी जम्मू से श्रीनगर। कल जम्मू से श्रीनगर की फ़्लाइटें श्रीनगर में मौसम की ख़राबी की वजह से नहीं उठ सकी थी, और फिर श्रीनगर में जम्मू से तो उठ रही थी लेकिन श्रीनगर में लैंड नहीं कर सकती थी, तो उस वजह से कल सभी मुसाफिरों को वापस लौटना पड़ा था। आज बड़ी चहल पहल देखी थी हमने, ये सारी चहल पहल, और उस चहल पहल में ये खूबसूरत नज़ारे, कुदरत के वो नज़ारे जिनके बारे में, कश्मीर के बारे में कहा जाता है। देखिए बिल्कुल ये आप झटके से लग रहे हैं, हवा के झटके आ रहे हैं, और बिल्कुल जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतने पहाड़ों पर बर्फ़ आ रही है, तो साफ जाहिर है कि हम कश्मीर वादी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी वो बर्फ़ नहीं है जो होनी चाहिए थी, लेकिन